हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया नाम की कंपनी कुछ साल पहले भारत में लॉन्च हुई थी और यहाँ पर काफ़ी सारे निवेशकों ने अपना पैसा सहारा इंडिया में लगाया हुआ था और ये कंपनी LIC कंपनी के ही तरह काम करती थी। दोस्तों, ये कुछ दिनों तक तो चली, उसके बाद में जब ये चलने लगी तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आ गया और काफ़ी सारे लोग, यानी कि ये समझ लीजिए कि LIC के कंपटीटर में ये चलती थी ये कंपनी, और इसमें काफ़ी सारे लोगों ने इस बैंक में अपना पैसा लगाया हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, ये कंपनी डूब गई, ये बैंक डूब गया। उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों का जो अमाउंट है वो फंस गया और काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर तो डूब तो गई थी, लेकिन सहारा इंडिया के पास में अपना मेच्योरिटी अमाउंट था, अगर वो चाहता तो लोगों को दे देता। पता नहीं क्यों उन्होंने पैसा नहीं दिया और चले गए भारत से। दोस्तों, अभी फिर सहारा इंडिया के तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। यहाँ पर सहारा इंडिया के ओनर ने खुद कहा है कि अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिन जिन लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है उन लोगों का पैसा बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगा। उनको क्या करना होगा, एक टोल फ्री नंबर जिसको मैं अपने कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना होगा और अपना नंबर बताना होगा, अकाउंट नंबर या फिर पॉलिसी नंबर बताना होगा, तभी आप लोगों का पैसा मिल पाएगा। दोस्तों, एक और सवाल मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो आती थी, बहुत पहले मैं YouTube पर आया था और मैं वीडियो बना रहा था, वहाँ पर मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं था YouTube का, YouTube का कोई एक्सपर्ट तो मैं था नहीं कि आप लोगों को सब कुछ सटीक जानकारी दे सकूँ। तो वहाँ पर मैंने शुरू किया था तकरीबन 8-9 महीने पहले, तो उतना मुझे नॉलेज नहीं था उस टाइम पर, तो मैं वीडियो बना के डाल देता था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का मेरे लिए यहाँ पर निगेटिव प्रभाव पड़ा है। काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कोई भी व्यक्ति हुआ या कोई भी पर्सन हुआ, कोई भी चैनल ओपन करता है तो शुरुआत में ही उसके पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है बोलने का तरीका कि आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से वो बोल पाए, लेकिन फिर भी वो बंदा अपना बात रखने की कोशिश करता है। तो कम से कम ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब नया नया कोई व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है तो उसका चैनल, आज जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हुए हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, उनके वीडियो आप पुराने वीडियो हो सकते हैं कि वो लोग अपना पुराने वीडियो डिलीट कर दिए होंगे। मैं तो ऐसा कह नहीं सकता कि सभी लोगों का पुराना वीडियो होगा, लेकिन जिन भाइयों का पुराना वीडियो होगा वहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हैं, उन लोगों को अच्छे तरीके से बोलने का भी तरीका नहीं मालूम था, लेकिन वो लोग ग्रो हो गए। तो मैं यहाँ पर यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब मेरी जो वीडियो आ रही है वो मैं बहुत ही स्टडी करके बना रहा हूँ दोस्तों, और उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी गलत बात मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी वीडियोस आप लोगों को बना के देता हूँ वो फुल प्रूफ स्टडी किया हुआ वीडियो होता है, और यहाँ पर जो वीडियो गलती से भी गलत हो जाता है तो उस केस में मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स के जरिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो गलत है, प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो, और उस वीडियो को मैं डिलीट नहीं करता दोस्तों। इसका एक रीज़न है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मेरा एक छोटा चैनल है, 1K सब्सक्राइबर है, उससे ऊपर तो है नहीं, कुछ लोग वॉच करते हैं कुछ लोग नहीं वॉच करते हैं, तो जिसमें अगर मैं अपना वीडियो डिलीट कर दूंगा, परमानेंटली डिलीट कर दूंगा, तो उस केस में होगा क्या कि YouTube का इंप्रेशन पूरा डाउन हो जाएगा और मुझे फिर से जितना मैंने मेहनत किया है 8-9 महीने तक, उतना मेहनत मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने रॉन्ग वीडियो अपनी बनाई हुई, हो सकता है 1-2 वीडियो 3 वीडियो में मैंने गलत जानकारी दी है, तो उसमें मैंने थंबनेल में भी बोल दिया है आप लोगों को कि ये गलत वीडियो है, इसको मत वॉच करिए, और कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया हूँ, और कुछ वीडियो मेरी जो गलत है वहाँ पर मैंने यूट्यूब पर एक फंक्शन है एडिटिंग का, तो मैंने एडिट करके उसको हटा दिया है उस ऑप्शन को। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।